प्लीज मैं ना किसी भी लेडीज को उन्होंने टच नहीं किया, जैसा कि विक्टर फैमिली ने बताया गया वहाँ में पुलिस प्रशासन का पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिले। दिल्ली के बिंदापुर भगवती विहार में दो गुटों के बीच मारपीट में एक और नया खुलासा हुआ है, जहां पर दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस की टीम ने वारदात की पड़ताल की तो कुछ अहम बातें सामने आई, जिसमें हमें तीन बातें ऐसी मिली जिस पर हम अपनी पड़ताल को और तेज हमने करना शुरू कर दिया। और सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली जब हमें एक तरफ ऐसा लगा कि गुप्ता परिवार ने हमसे कुछ बातें छुपाई हैं। गुप्ता परिवार ने हमसे तीन बातें बोली थी, जिसमें पहली बात गाड़ी तोड़ने की थी, दूसरी बात महिलाओं को मारने की और तीसरी बात डकैती की। इन्हीं बातों को लेकर हमने क्षेत्र के प्रधान और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली के बिंदापुर भगवती विहार में तीन दिन पहले एक डकैती की वारदात का मामला सामने आया था, जिस पर हमने रिपोर्टिंग भी की थी। रिपोर्टिंग के बाद जो गुप्ता परिवार था, जिस पर हमला किया गया है, मारपीट की गई है, उन्होंने हमें काफ़ी सारे बयान दिए थे। उस बयान में उन्होंने डकैती की बात भी कही थी, महिलाओं को मारपीट करने की बात भी कही थी, और भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही थी। पर उस खबर के चलने के बाद हमें काफ़ी सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली थी उस वारदात का पहलू कुछ और भी है। फिर हमने सीसीटीवी कैमरा खंगालने की कोशिश करी, सीसीटीवी फुटेज देखी, तो उसमें वहाँ का पता चला कि गुप्ता फैमिली से हमें कुछ बातें सही नहीं मिली, तो हमने अपनी पड़ताल को तेज किया। उस पड़ताल के तेज करने के साथ साथ हम दूसरी पार्टी की ओर भी आए थे, दूसरे परिवार की ओर भी आए थे, जो वहाँ पे लड़के मारपीट कर रहे थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। तो एक बार हम दोबारा उनके पास आए हैं और पूरी जो वारदात है उसको जानने की कोशिश करेंगे, आखिर सच क्या है ये पता लगाएंगे, क्या डकैती हुई थी या नहीं हुई थी, महिलाओं को मारा गया था या नहीं मारा गया था। गाड़ी की बात थी, हमने जब सीसीटीवी फुटेज में देखा तो गाड़ी जो तोड़ने वाला बंदा था वो कौन था, ये सब बातों के जवाब पाने के लिए हम एक बार लोगों से बात करके देखते हैं क्या कुछ यहाँ के लोग कहते हैं। भगवती विहार कॉलोनी के उनसे एक हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर मैं आपके पास आऊँगा, तीन दिन पहले अभी वारदात हुई थी जहाँ पर काफ़ी सारे लड़के मारपीट कर रहे हैं, दुकान तोड़ रहे हैं, क्या ये पूरा मामला? मैं तो जी थाने में तो गुजरात था जी, मेरा एक अनुपम है मेरा बेटा जी, वो पंजाब में रहता है जी, उसका नाम और मेरे एक छोटे बेटे का नाम जी, इनका नाम ये है ही नहीं, उनका नाम लिखवा रखा है। पंजाब में कब से है वो? वो तो तीन साल से है वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। और जो मेरा बेटा आया था आज से पंद्रह एक महीना पहले आया था, वो तुरंत चला गया, यहाँ तो रहता ही नहीं है वो, और वहीं रहता है वो। तो उनका नाम भी FIR के अंदर? हाँ, उसका भी नाम है FIR में। तो इनका कहना है कि जो इनका बेटा पंजाब में है उसका नाम भी FIR में लिखवाया गया, पर ये कितना सच है इसकी तो पड़ताल पुलिस प्रशासन करेगा और कोर्ट करेगा। मैं आपके पास आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा पूरी वारदात का क्या सच है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमें मेरा भी उसमें एक भाई है छोटा, हमारे चाचा जी का लड़का है, और वो जब यहाँ से गया था अपने डीडी फ्लैट में जा रहा था, और उसे पता चला था कि जो गुप्ता फैमिली है वो जो बंदे उनके लड़के हैं वो कह रहे थे कि भाई अमन को हम मारेंगे, अमन को, काकू को, बाबू को, इनको हम मारेंगे। तो उन्होंने बोला था भाई ठीक है, हम पता करके आते हैं हमने क्या ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से हमें मारेंगे। तो वहाँ पे नॉर्मल तरीके से नियत्ते गए, वहाँ पे उनके पास गए, उन्होंने बताया हाँ जी भाई आप लोग हमें क्यों मारोगे, मतलब गुप्ता फैमिली पूरी वहाँ पे इकट्ठी हो गई दुकान के अंदर अपने, धीरे धीरे उनसे बात करती रही, काफ़ी उनसे बात करी, और धीरे धीरे गुप्ता फैमिली के कई सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया मारना लड़कों को, एक मारा, दो मारा, फिर एक लड़के को मारा, अमन है उसके, इतना भयंकर मारा उन लोगों ने, उनकी लेडीज़ थी, उन्होंने भी उनके पास उसको मारा, ईंट जो भी ईंट थे जो उनको हथियार मिले जो भी उससे मारा, उस लड़के को वहाँ पे काफ़ी देर मारते रहा, उसका सर भी फोड़ दिया, सर में उसके कम से कम चार पांच टाके आए हैं उसके, और उसकी पांच छः टेक आए हैं, और उसके बाद भी उसके हम लोग मारते रहे, तो उसमें से एक लड़का हमारा निकल के अपने वापस आया, अपने यार दोस्तों के पास आया कि भाई ऐसे ऐसे हम उनको मारा जा रहा है वहाँ पर कई सारे लोग मिल के। तो यहाँ से फिर कुछ ही अपने उसके यार दोस्त गए हैं, उसका बीच बचाव कराया, उसको बचाया है, उस बीच बचाव में यह है कि बस लड़ाई झगड़े हुए हैं और किसी भी लेडीज़ को उन्होंने टच नहीं किया, जैसा कि गुप्ता फैमिली ने बताया गया हमारी लेडीज़ों को पूरा घसीटते लाए हैं, घसीटते मारा है, हमारे पैरों पर लठ मारे हैं, जो भी उनको घसीटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गुप्ता फैमिली पूरा का पूरा क्लियर झूठ बोल रही है, और उसका हमें सब कुछ सबूत मिल जाएगा आप लोगों को। सीसीटीवी फुटेज आपने देखी है, क्या निकला? सीसीटीवी फुटेज मैंने देखी है, और मैंने पूरी तरह से स्टडी किया हुआ है। 11 जुलाई की रात को जो घटना घटित हुई थी उसमें ये था कि इन दोनों में मतलब आपस में झगड़ा हुआ है, इस चीज़ को हम नहीं कह सकते कि झगड़ा नहीं हुआ है,
लेकिन किसी के साथ कोई लूटपाट नहीं की गई, ठीक है। किसी की कोई गाड़ी नहीं तोड़ी, एक मोटरसाइकिल तोड़ी है, लेकिन फोर व्हीलर वहाँ खड़ा था वो नहीं तोड़ा गया है। कोई जो है सामान किसी को ले जाते हुए वहाँ पर नहीं है, कोई सामान नहीं ले गया है कोई भी। लेकिन गुप्ता फैमिली ने जो आरोप लगाए हैं कि ये लोग बंदूक लेके आए थे, ये लोग पिस्टल लेके आए थे, किसी के हाथ में बंदूक नहीं है, किसी के हाथ में पिस्टल नहीं है, इनकी गाड़ी को तोड़ने का आरोप लगाया। गाड़ी इनका भांजा नंदकिशोर गुप्ता का भांजा कुलदीप खुद अपने हाथों से गाड़ी तोड़ रहा है, आगे के शीशे तोड़े हैं, पीछे के शीशे तोड़े हैं। कुलदीप और इनका जो नंदकिशोर गुप्ता की परिवार खुद इनके हाथ में हाकी है, ठीक है, डंडे हैं, ईंट और पत्थर हैं। इनकी नंदकिशोर गुप्ता की बीवी के हाथ में बोतल है जो बच्चों को मार रही हैं। और उसके बाद इन्होंने एक इनकी नंदकिशोर गुप्ता की पुत्र वधु है राजेश्वरी, उन्होंने आरोप लगाया, जिनके दोनों टांगों पर पट्टी बंधी हुई है। इन्होंने कहा हमें जो है लड़कों ने मारा है, हमारे साथ लूटपाट की है। नंदकिशोर गुप्ता की पुत्रवधु राजेश्वरी उस समय नीचे थी और उन्होंने राजेश्वरी ने खुद अपने हाथ से बच्चों को मारने गई है। उसके बाद मारने के बाद में वो एक स्कूटर वाले के साथ में बैठ के चली गई है वहाँ से। उसके बाद लौट के पूरा सीसीटीवी फुटेज की शुरू से लेकर जब से जो है ये लड़ाई स्टार्ट हुई है और लास्ट तक की वीडियो मेरे पास में है, वो उसके बाद वापस नहीं आई लौट के। हाँ। तो स्थानीय थाने बिंदा थाना प्रताप का, तो वहाँ पे आपने पुलिस प्रशासन से बात करी इसको लेकर? हाँ, हमने पुलिस प्रशासन से बात की, हम डीसीपी साहब के पास गए थे, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ न्याय करेंगे और इंक्वायरी जांच करवाएंगे और हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। जी, आप क्षेत्र के प्रधान हैं तो प्रधान की पूरी भूमिका रहती है सभी को साथ लेकर चलने की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये पूरी वारदात थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जी गुप्ता परिवार जिसने जो ये आरोप लगाया कि लूटपाट हुई है, ये हुआ, ये सब गलत बात है, एक कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, लोगों ने भी देखा, हमने भी वीडियो में उसमें देखा है, कुछ भी नहीं है। और वो ये एक नेताओं के बहकावे में आने के वजह से ये आरोप लगाया गया और बिगर छानबीन करे ये आरोप मल दिया कि डकैती हुई है, इन लोगों ने फायर की, मतलब बंदूक लेके आए हैं, हथियार लेके आए हैं, चाकू लेके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ, हमने वीडियो में पूरा देखा है, लास्ट तक देखा है। ये इसी कॉलोनी के लोग हैं, उनको लड़ाई की बजाय उनको समझाना चाहिए था, उनको ना समझाने के कारण उन्होंने हाथ छोड़ दिया। और हाथ छोड़ने के बाद जब उसको मारपीट ज़्यादा हो गई है और लगा कि एक लड़का ये मर जाएगा, तो एक लड़का वहाँ से भागा है, वो भाग के यहाँ आने के बाद उसने बोला है कि वो खतरे में है लड़का, तो वहाँ से यहाँ से लोग लड़के गए उसके यार दोस्त, और उन्होंने मारपीट उनके साथ शुरू कर दी। वो भी लड़ रहे थे तो वो भी लड़ रहे थे, दोनों में लड़ाई हुई है, बाइक टूटी है, कोई गाड़ी नहीं तोड़ी है, गाड़ी उन्होंने खुद तोड़ी है, हमें दिखाई दे रहा साफ वीडियो में। और जो छानबीन करे बिगर जो की जो वीडियो में दिखाया है वो सरेआम सारा गलत है। जो सही तो यही है, हमारे सामने स्कूटी पे बैठ के गई है लेडीज़, उसकी टांग कहाँ टूटी है, कहाँ गिरी है वो, कहाँ कपड़े फटे हैं, इसमें भी साफ साफ दिखाई दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ, किसी लेडीज़ को मारते हुए नहीं दिखाया वहाँ पे। आप वीडियो सीसी कैमरा चेक कर सकते हैं, डीसीपी ने देख लिया, एसएचओ साहब ने देख लिया वो वीडियो। अब मैं हम आपको भी कहते हैं आप भी पूरी वीडियो देखिए, जो बता रहे वही सच है। अभी तक लोगों से बात करके पता चला है कि जो वारदात है वो लड़ाई की वारदात है, कोई डकैती की, कोई लूटपाट की वारदात नहीं है, जो हमें दूसरी पार्टी ने बताया था। कुछ और लोगों से बात करते हैं, साहब मैं आपके पास आऊँगा, आप किस तरीके से पुलिस प्रशासन से मदद की बात कर रहे हैं और किस तरीके इंसाफ की बात कर रहे हैं? इंसाफ चाहिए, हमें सही इंसाफ चाहिए। अगर मेरे लड़के की कोई गलती हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे लड़के को गुप्ता परिवार ने, पूरे परिवार ने मिलकर मारा और झूठा इल्जाम में उसको जेल पहुँचा दिया। FIR किस उस पर हुई है, क्या उसमें आरोप लगे हैं? FIR में आरोप लगे हैं जी लूटपाट कर लगे हैं, चाकू का, रिवाल्वर वगैरह और डंडे वगैरह का लगा है जी। सर एक सवाल और है कि जिस तरीके से गुप्ता परिवार से हमने बात करी, उन्हें काफ़ी कुछ बताया कि 70,000 रुपये की चोरी की है, लेडीज़ों के गहने अंगूठियाँ छीन के ले गए हैं जी। हम ये कहना चाहेंगे अगर गुप्ता परिवार के पास ऐसा कोई वीडियो है, कोई भी एक भी चीज़ ले जाते हुए किसी लड़के के हाथ में, ये दिखा दें कि ये लड़का ये चीज़ लेके गया। गुप्ता परिवार ने तो कहा है हमारा टीन ले गए घी का, हमारी रिफाइंड ले गए, हमारा दूध चोरी करके ले गए, हमारा जो है मक्खन चुरा के ले गए। भाई कोई तो दिखाओगे आप, कोई ले गया। गुप्ता परिवार कहता है इनके हाथ में बंदूक थी, इनके हाथ में पिस्टल थी, भाई आप दिखाओगे किस बंदे के पास में पिस्टल थी, किसके पास में बंदूक थी? आप प्रूफ तो करो। जो आदमी लूटपाट करने जाएगा वो घी मक्खन चुराएगा, आप बताओ। सर मेरा एक सवाल है आपसे, सबसे जरूरी है सवाल ये है कि अगर कोई औरत जात, कोई भी एक लड़की
अगर किसी को मारती है, चाहे मैं हूँ, अब मेरी शॉप है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लड़कियाँ भी आती हैं, औरतें भी आती हैं, कोई भी आता है, अगर वो मिसबिहेव करे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई औरत हमें अभी उठा के सर मारे, हमारा पत्थर मारे, कुछ मारे, तो हम क्या पट्टे रहेंगे उनसे? ये बताइए आप मुझे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब औरत के पास पुलिस प्रशासन से किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं? क्या पुलिस प्रशासन से यही कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं कि इन लोगों ने झूठी FIR लिखवाई है, जो झूठे आरोप लगाए हैं, जो बच्चों को जेल भिजवा दिया है इन्होंने, तो उसको वापस लिया जाए और इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए कि इन्होंने झूठा आरोप क्यों लगाया, गाड़ी तोड़ने का आरोप क्यों लगाया, जबकि इनका भांजा खुद कुलदीप उस गाड़ी को तोड़ रहा है। लोगों पे इंजाम लगाए गए हैं, जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर लड़का बैठा है, ठीक है, चंडीगढ़ में लड़का काम कर रहा है, उस लड़के का नाम ले दिया गया, क्या मतलब बनता है, क्या तरीका है, क्या क्रॉस वेरिफिकेशन है? नाम दिया हुआ है, ठीक है, मेरा नाम ले दिया है, मैं तो आप ही नहीं, मैं अपने घर था, रात को 12:15 बजे पता चला है कि झगड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे हो गया है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है? जी हम तो यही कहना चाहेंगे, गुप्ता फैमिली ने जितना भी बोला है सब कुछ इन्होंने केस फेक बनाया है, इन्होंने पूरा का पूरा केस हमारे ऊपर फेक बना के हम पे पूरा फंसाने की प्लानिंग करी है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमारे पास पूरा CCTV प्रूफ है, हमने पूरी CCTV की स्टडी करी है, जितने भी लोग वहाँ से गए हैं सब खाली हाथ, कोई किसी के हाथ में रिफाइंड टी कुछ भी नहीं है, और घर के अंदर भी कोई नहीं घुसा है, और किसी को किसी महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाया गया, कपड़े नहीं फाड़े गए हैं, किसी को रगड़ा भी नहीं गया है, और जो महिला वहाँ से गई है वो जिसके पैर में फ्रैक्चर था, जो भी पट्टी वगैरह बांध रखी थी, वो महिला बहुत पहले वहाँ से निकल चुकी है। तीन बच्चों को जेल भिजवाया उनकी माँ है, आप बातचीत की है, हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की है, इन्होंने पूरी CCTV फुटेज खुद देखी है, और उसके बाद इन्होंने पुलिस प्रशासन से, अब यही उम्मीद लगते हैं कि पुलिस प्रशासन को फिर से इस केस पर स्टडी करना चाहिए, अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ताकि जो भी आरोपी हैं उनको सज़ा मिले, अगर इनके साइड से कोई गलती हुई है तो पुलिस प्रशासन जो भी सज़ा देगी वो ये भुगतने के लिए तैयार हैं, अगर गुप्ता फैमिली से कोई गलती हुई है, उन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश की है, तो गुप्ता फैमिली को सजा मिलनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करती है और क्या इसका वारदात का पुलिस प्रशासन के द्वारा से सही सबूत इकट्ठा होने के बाद सामने आता है। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं जितेश अनेजा, दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस। इन सब बातों के बाद अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो शख्स गाड़ी तोड़ रहे हैं ये कौन है, और अब दोनों गुट पुलिस प्रशासन से सही तरीके से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।